आ गई वो, चल तू गाड़ी स्टार्ट कर। चल इसको, डाल डाल, बंद कर, बैठ बैठ, बंद कर बैठ, चल स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर, चल चल चल, बंद करना। हाँ हाँ, चल 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 रे। निकल 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 निकल, चल 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 चल, ला ला बाहर ला, संभाल के उठा 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 उठा, चल 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 चल। लड़के चाहे जितना भी प्यार कर लें, लड़कियों को समझ में नहीं आता है। ए, छोड़ो उसको, जाओ तुम लोग, जाओ गाड़ी में जाओ, मुझे कुछ बात करनी है, जाओ। हाँ भाई चलो चलते हैं। ए जल्दी आना भाई। उठ जा दिव्या, उठ जा, उठ। इधर क्यों लेके आया मुझे तू? कल तुझे मारा, तेरी अकल ठिकाने नहीं आई? कल का मेरा प्यार तुझे पता नहीं था, इसलिए तुझे दिया। आज प्यार में क्या होता है ये बताने के लिए तुझे यहाँ पर उठा के लाया हूँ, समझी गया? प्यार नहीं करेंगे तो किडनैप करेगा, यही है तेरा सच्चा प्यार? शक नहीं करने का, भरोसा करने का, तभी तो पता चलेगा कि लड़का कैसा है, कितना प्यार करता है। मैंने देखा कि तुम कितना प्यार करते हो, मैं भी वही बोल रही हूँ, मेरी शादी फिक्स हो गई है, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतना प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलती है। हर वक्त तू मेरा पीछा करता है, तू मेरे पीछे आता है ना, इसलिए तुझसे बात करने का पेशेंस नहीं है। दिव्या रुक जा, मैं शादी करूंगा तुझसे। अनपढ़ मेंटल दिमाग है क्या तेरे पास? मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, मेरी ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई है, समझता नहीं है क्या? हट। ए, इसको कितना समझाया, इसको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये लड़की इस धरती पर चाहिए ही नहीं। रुक 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 तेरा। ए, 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 अरे ये कैसी आवाज है, क्या हुआ? आ, मम्मी, आ, आ, अब आ, समझ में आएगा इसे। अरे प्रवीण क्या कर दिया तूने? क्या हुआ? जाके देख ले खुद ही। क्या हुआ? प्रवीण क्या हुआ? अरे बोल ना। अरे उठा के डालो। क्या किया प्रवीण? प्रवीण अरे क्या हुआ यार? यही तो है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, देख रहे थे, बाटली को निकाल के फेंक दे। प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। क्या प्रवीण तूने उसको मार दिया रे? ए, वो सब छोड़, पहले ये बता तुम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? ये फॉरेस्ट में किसी के देख लेने का डेंजर है, पहले उठा के लाओ उसे, फिर कहीं फेंक देंगे। चल ठीक है, चल जा, चलते हैं भैया। चल हाँ चल। चलो ये तो ठिकाने लगी, चलो हो गया। चल चल चल, अब ठीक से दबा गया आपने। हाँ उठा उठा, टेंशन यहाँ से उठा, जोर लगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। हाँ चल दबा, अच्छे से दबा, थोड़ा इधर का कर। चल 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 भाई, अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चल भाई, सब लोग ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंकल मेरी बहन को मार के आपको क्या मिला अंकल? बस बेटा बस, दिव्या कहाँ है? दिव्या कहाँ है बोल अम्मू। अंकल अंकल, दीदी कहाँ है? हाँ दिव्या 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 दिव्या, कहाँ हो तुम? हाँ
ए पागल, अभी तक मरा नहीं तू? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? क्या चाहिए तुझे मुझसे? क्या चाहिए बोलना? तेरी मौत। हाँ? मुझे देख के शौक लगा क्या? तूने उस दिन गलत काम किया था, भूल गया क्या? क्या किया? भूल गया? क्या किया? याद दिलाओ वो दिन। ये जगह बहुत अच्छी है ना, हम यहाँ बैठे क्या? बैठो ना, यहीं बैठते हैं। अच्छा मैं एक बात बोलूं क्या, मुझे कुछ चाहिए? बोला था पप्पी देने के लिए। मैं ना कल गांव जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारा प्यार करो, करोगे ना? हाँ करूंगा ना प्यार। ए, देख उधर। हे प्रवीण सुन, इधर आ। कौन है ये लोग? कौन हो तुम लोग? सच्चे आशिक हैं हम लोग। क्या लड़की है, क्या कर रहे तुम लोग? ए संतु, क्या तुम लोग भी बातों में लगे हो? उठा के लाए इसे। क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे। प्लीज। चल क्यों मार रहे हो मुझे? चल छोड़ो उसे। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। छोड़ो मार दो उसे। मारो तुम लोग। पकड़ उसको। पकड़ 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 पकड़। छोड़ दो मुझे प्लीज। मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ मत उसको यार, जल्दी पकड़ो। साले प्यार करेगा तू? प्यार करेगा? प्यार करेगा? जाने दो मुझे प्लीज। नहीं छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं पकड़ के रख दोनों हाथ। लव का मतलब ये सब काम होता है क्या? तुम लोग लव को बदनाम करते हो। लव का मतलब ये सब काम करना नहीं होता। छछूंदरों के साथ, अरे हम मर गए हैं क्या? रम्या, ये क्या हो गया रम्या? रम्या उठो, उठो रम्या, रम्या मेरी रम्या, ये क्या हो गया साहब? रम्या इधर देखो ना, आके खोले ना रम्या। किधर हो कमीनो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। किधर हो? इधर आओ, सामने आओ मेरे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मुझसे मेरे प्यार को छीना। तुम लोगों को मारने के लिए मैंने मास्क लगाया, पागल का भेष बनाया और फिर तुम जैसे पापियों को ठिकाने लगाया, और ऐसे करके तुम एक एक करके मरते गए और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। पर आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। आज छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्यार को मैंने खत्म किया था, लड़की को मैंने नहीं मारा था। छोड़ मुझे, मर जा तू, मर।
भाई ऐसे लोगों को रोड पे घसीट घसीट के मारना चाहिए। आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगा, समझा तू? तूने मेरी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, तेरे जैसे राक्षस का सर्वनाश करने के लिए हम जैसे लोग अब तेरे सामने खड़े हैं। आज तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा, ये बात जान ले तू।
थी दुष्टों से, अब ना हार मैं मानूंगी। हार गई थी हार गई थी दुष्टों से, अब ना हार मैं मानूंगी। लूंगी बदला पापियों से, सबका विनाश मैं कर दूंगी। बचेगा न तू, बचेगा न तू, बचेगा न कभी मुझसे तू। ए दिव्या, बाहर आ, बाहर आ, सुन रही है ना? ए दिव्या, बाहर आ, बाहर आ, जल्दी आना। कहाँ है तू? इधर आना। आ गई तू? क्या मरने से पहले ही तुमने मुझे नरक दिखा दिया? तू क्या गलती की थी मेरे फ्रेंड्स ने जो तूने उन्हें मार डाला? तेरी लाइफ को धोखा देने वाला मैं था। सिर्फ गलत ही नहीं, बहुत ही भरोसा तोड़ने का काम किया है तूने। तूने तो मेरे को ऐसे ही मार दिया, पर उन लोगों ने मेरे साथ मेरी इज्जत लूटी, मेरे साथ मेरी खून की होली खेली। छोड़ दो मुझे। अच्छा, उन लोगों ने तेरे साथ गलत काम किया तो तूने उन्हें मार डाला, लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा सलूक किया? ए दिव्या, तू मेरे प्यार पे भरोसा करे इसलिए तुझे उठाकर लेकर गया था, पर तूने मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं किया, इसीलिए मैंने तुझे मार डाला। लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए आज भी प्यार ही प्यार है और हमेशा रहेगा। अब तू क्या मुझे डरा डरा के मारेगी? मैं ही खुद ही मर के तेरे पास आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू मेरे प्यार पे भरोसा करती है या नहीं करती। मौत सामने आने के बाद डर के मारे तुम लोग ऐसे ही बोलोगे ना? अभी भी भरोसा नहीं है ना तुझे? मैं जान दे दूंगा तब तो भरोसा करेगी ना? ठीक है, मैं ही मर के आता हूँ तेरे पास। जिस लड़की से प्यार किया उसी ने मेरे पे भरोसा नहीं किया। मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। भरोसा नहीं करेगी? भरोसा नहीं करेगी? दिव्या, आई लव यू। प्रवीण, तू मुझे प्यार जरूर करता है, पर मैं तुझ पे यकीन नहीं कर सकती। और मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुझे माफ कर दूंगी, तभी तू अच्छे से रहना, तभी मैं तुझसे प्यार करूंगी। दिव्या, तू इसे कैसे माफ कर सकती है? तूने जो मुझसे कहा था उस बात का क्या? वो रहने दे, मैं भी क्या अपने प्यार को भूल जाऊं? हम दोनों की लाइफ को इसके दोस्तों ने खराब की है। पूछ इससे मैं सही कह रही हूं कि नहीं। अभी तू इसे माफ कर देगी क्या? मेरे प्यार के लिए उसने मेरे सामने अपनी जान दे दी। उसने मुझसे प्यार किया पर मैं ही नहीं समझ पाई। उसको बचाना चाहिए। तुझे दिया हुआ वचन मैंने तोड़ दिया है, मुझे माफ कर देना रमैया, प्लीज। ठीक है, मैं इसे माफ करती हूँ। कौन है तू? मैं अश्विनी। तूने इसे क्यों मारा? क्यों मारा उसको पता है? उसने मेरे जन्मदिन पर, दादी, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड लोग वेट करते रहेंगे। मुझे ड्रेस चाहिए दादी। रात भर ड्रेस का ही सपना देखती रही क्या? तेरे लिए कपड़े लेने वो सुबह से गए हैं, अभी आते ही होंगे। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे देख ना, बात करते करते वो आ भी गए। बेटा, तेरे जन्मदिन पे नया ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनु बेटा, खाना तैयार हो गया है, खा करके जाना। देखा, मैं भी देखूं कैसी लगती है।
ड्रेस बहुत अच्छे हाँ? है दादी। तुझे ड्रेस पसंद आ गया ना बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं नहा के आती हूँ ना दादी। हाँ हाँ जल्दी से नहा के यही पहनूंगी मैं। जरा पानी देना। हाँ मैं लेके आती हूँ। पागल लड़की। कितनी प्यारी लग रही है। ये लीजिए। बाजार होके आता हूँ। क्या बुजदिलों की तरह मुंह लटका के बैठा है, मर्द बन मर्द। अब ऐसा कौन बोला कि हारे हुए इंसान को जीतने के लिए मर्द होना चाहिए? मर्द क्या होता है इन गांव वालों को मैं बताऊंगा। चल तो रुक मैं आता हूँ, देखना तू अब क्या होता है। आता हूँ मैं। जल्दी आ। छोड़ दे तुझे, तू तो रसमलाई की तरह एकदम नरम नरम मुलायम है, तुझे कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? छोड़ देंगे हम लोग, कुछ डरने की बात नहीं है। तुम एकदम कड़क हो, गांव वाले हम लोगों को बोलते हैं यहाँ मर्द नहीं है। मर्द क्या होता है प्रवीण, दिखा दे चल। नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब गांव वालों को पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। चल इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम कर। हे भगवान, सुबह से नहाते नहाते शाम कर देगी क्या? कहाँ है अश्विनी? अश्विनी, 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 कहाँ है मेरी बच्ची? हे भगवान, कहाँ चली गई? सुनिए। अरे अरे, क्यों इतना भाग के आ रही हो? हुआ क्या? अश्विनी। क्या हुआ अश्विनी को? अश्विनी घर पे नहीं है जी। अरे कॉलेज गई होगी। अरे जो नए कपड़े तुम लाए थे वो नए कपड़े भी वही हैं, वो नहाने गई थी। अरे फ्रेंड्स के घर गई होगी शायद। नहीं कैसे जाएगी, वो नहाई भी नहीं थी। तुम घर पहुँचो, मैं गांव वालों से पूछ के आता हूँ। सुनिए लक्ष्मी दीदी के घर पे जाके आइए। ठीक है मैं देखता हूँ, तुम जाओ घर पे, चिंता मत करो। मनु बेटा चल जरा गांव में पूछ कर आते हैं। क्या हुआ? मेरी पोती दिखाई नहीं दे रही है। अपनी सहेली के घर गई होगी। ए टाइम पास मत कर, किसी लड़की से या उसकी सहेली से पूछ के आ, जल्दी जा। जल्दी चल, जल्दी जाके आ। चल बेटा। तुम यहाँ पूछो, मैं मंदिर में देख के आता हूँ। ठीक है। मूर्ति, मेरी पोती को देखा गया? नहीं कृष्णा भाई, नहीं देखा। अरे बेटा, अरे बेटा हा? मेरी पोती को देखा क्या? नहीं हमने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। हे भगवान, मेरी पोती कहाँ गई होगी? कहाँ चली गई मेरी पोती? बेटा तुमने मेरी अश्विनी को कहीं देखा क्या? नहीं देखा माँ जी। बहन मेरी बेटी को कहीं देखा क्या तुमने? मैंने नहीं देखा बहन। किधर गई? अगली बार गाड़ी पी के चलाया तो केस कर दूंगा, सीधा अंदर डालूंगा। चल जा। साहब नमस्कार। साहब क्या हुआ तुम्हें? साहब मेरी पोती नहीं मिल रही है। समझ नहीं आया साहब। कितने साल की है? 15 साल साहब। ओ ये तो कम से उम्र है। इस उम्र में तो कई लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं। तेरी पोती एकदम करेक्ट एज में भागी है तो भाग गई। बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो। नहीं साहब मेरी पोती वैसी नहीं है।
मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो कि तेरी पोती कैसी है। कंफर्म होने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कुछ। ऐसा मत बोलो साहब, कैसे भी करके मेरी पोती को ढूंढो, हाथ जोड़ता हूँ। लगता है ये दादा रात दिन पिक्चर देखता रहता है। भाई ये पिक्चर नहीं है, हमें भी टाइम लगता है, तुम्हारी पोती को ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है सिद्धराज, मैं जरा थोड़ा राउंड मार के आता हूँ। ये दादा की पोती खो गई है, जरा इनकी कंप्लेंट लिख लो, थोड़ा इंक्वायरी कर ले। ए इधर आओ, इधर आओ, ठीक से बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारी पोती के साथ। मेरी पोती साहब, नाम बताओ। नाम अश्विनी। उम्र? उम्र 15 साल। कहाँ रहते हो? सोमन अली। सोमन अली का गांव है? हाँ, ढूंढ के हम लोग बताते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करके लेता हूँ, अभी जाओ तुम आराम से घर पे। ठीक है जाओ, टेंशन मत लेना। क्या हुआ अश्विनी की कुछ खबर मिली क्या आपको? उसका रास्ता देख देख के मेरी आंखें थक चुकी हैं। कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बताओ मुझे। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की, इतनी देर से उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ पर पता नहीं चला। दादा अश्विनी जंगल में बेहोश होकर गिरी पड़ी है। क्या? हे भगवान, अश्विनी! 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 अश्विनी बेटा! अश्विनी! क्या हो गया मेरी बच्ची? क्या हो गया तुझे? अश्विनी छोड़ो मुझे, मेरी बच्ची। भगवान, मेरी बच्ची। मैं कपड़े लेके आया था तुझे, मैडम बस तो चल रही है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी करो। अश्विनी आराम से, जल्दी करो अश्विनी। माँ अपने आपको संभालिए, माँ जी डॉक्टर इमरजेंसी केस है, प्लीज हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर। श्योर, मैं देखता हूँ मैडम। ओके मैडम। गणेश, ये केस पहले कौन देख रहा था? मैडम इस केस को सबसे पहले रवि ने देखा। उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। ओके मैडम। अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा उसे। कैसे हिम्मत रखे बेटा, उस अनाथ बच्ची के माँ बाप नहीं है, एक दादा दादी है बस, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, आँख उठा के भी नहीं देखती थी मेरी बच्ची, कैसे हो गया ये सब? है भगवान, कुछ नहीं होगा उसे, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए आप लोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंडीशन कैसी है सर? कंडीशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Are you suspending any gang-rape kind of thing? Yes, sir. She is very brutally gang-raped. Madam, नमस्ते। किसी ने सबसे पहले देखा था? तुम रवि हो? मैं हूँ मैडम। उस लड़की को कब और कहाँ देखा था? मैडम मैं सुबह खेत में जा रहा था, देखा कोई गिरा पड़ा है। पास जाके देखा तो दादा की पोती थी। ठीक है तुम जा सकते हो। चाचा जी आपकी पोती को गायब हुए कितने दिन हुए थे? और उसका कोई प्यार का चक्कर पकड़ तो नहीं था ना? अरे आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं, मेरी पोती वैसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, चुपचाप जाती थी, चुपचाप आती थी। आज ही उसके लिए नए कपड़े लेकर आया पर वो पहन नहीं सकी। दिन या रात उसे हमने सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। साहब आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया?
वो मैडम, मैडम ये आए थे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा ये कहीं टीनेज की वजह से अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी तो आ जाएगी, इसलिए मैंने ये कंप्लेन नहीं लिखी थी। शट अप! क्या है ये सब? तुम कोई ज्योतिष हो ऐसा सोच रहे हो क्या? कह दिया कि लड़की वापस आ जाएगी। इरिस्पॉन्सिबल पीपल, आप चाहे जितने भी चौकन्ने रहो, पलक झपकते ही क्राइम हो ही जाता है, और तुम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से NH7 पे क्राइम चलते ही रहता है। कुछ भी कर लो, क्राइम रुकने का नाम ही नहीं लेता, उसकी जिम्मेदार तुम हो। यस डॉक्टर। मैडम पेशेंट कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, 4-6 लोगों ने मिलकर इसके साथ गैंगरेप किया और पिछले 3 दिन से वो इसी हालत में पड़ी रही, और मुझे लगता है ऐसी हालत में उसका बचना मुश्किल है। वो गुंडे लोग ही हैं जो चैन से जी रहे हैं। अगर मेरा बस चलता ना, तो ऐसे लोगों को बीच रास्ते पे गोली से उड़ा देती। इस कानून, इस व्यवस्था ने मेरी हाथों को बांध रखा है। इस काम को कोई जज, कोई वकील या कोई पॉलिटिशियन कभी भी ठीक नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कर ले, धरना धरे, मोर्चा निकाले, सब कुछ टाइम वेस्ट। सबसे पहले अपने मन के अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए, तभी तुम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हो ऐसा तुम प्राउड फील करोगे। संभालिए अपने आप को, शांत रहिए। आरोपी चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उन्हें अरेस्ट करूंगी। संभालिए। हॉस्पिटल में मैं कोमा स्टेज में चली गई। थोड़े दिन बाद मेरी जान चली गई। मुझे प्यार से बड़ा किया मेरे दादी दादा ने। बहुत तकलीफ सही, ऐसे दुष्ट लोग को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आत्मा बनके इन लोगों का पीछा करती आई हूँ, एक एक करके सबको मारती आई। इन लोगों की मौत होते ही मुझे खुशी मिल रही थी। जब तुम इसको बचाने की बात कर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। जिसने तकलीफ दी उसको मैं मार दूंगी, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने इसे मार दिया। उसके किए की सजा दी मैंने। मैंने क्या गलत किया बताओ? उसने मुझे बहुत प्यार किया, उसने मेरे लिए जान दे दी, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया। हाँ, उसने तेरे साथ बहुत गलत काम किया तो तूने सजा भी बराबर ही दी। यही नहीं, अभी कोई भी लड़की पे कोई अत्याचार करेगा तो उसकी जान लेने तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। आज अमावस्या है, मेरी आत्मा के अंदर रम्या की भी आत्मा है। हम दोनों की आत्मा तेरे आत्मा के अंदर जाकर ये देश में कभी भी अत्याचार हो रहा है उसे मारना ही अपना लक्ष्य होना चाहिए, और अत्याचारों को सजा देंगे। क्या बोलती है तू? तू सही बोलती है। आजा मेरी आत्मा में। भाई स्टोरी तो सुपर है। दिव्या पहले 4 लोगों को मार देती है, बट अश्विनी आपको लास्ट में मारती है। पर तुम लोग भूत होकर भी शमशान में रहते हो। नेक्स्ट क्या होगा? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आगे क्या होता है? 6 महीने बाद आ, स्टोरी पूरी करके रखूंगा, तू आना जरूर। ए युगा, ये सारे के सारे क्या बोले जा रहे हैं? मैडम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गैंगरेप करने वाले हैं। चलो भागते हैं, ऐसे जल्दी करो। नमस्कार, मैं जाती हूँ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, कोई हेल्प करो मेरी। नाम होगा एक दिन दुनिया।
चमकेगा सितारा बन एक दिन दुनिया में, ये है सपना की दुनिया, सुनो संग मेरे तुम सपने बुनो, संग मेरे उड़ चलो तुम साथी रे, तेरा नाम होगा एक दिन दुनिया में, चमकेगा सितारा बन एक दिन।